is Alia Bhatt. You're watching Expose India. Keep watching. अलीगढ़ में अपनी मांगों को लेकर किसानों ने किसान संघर्ष समिति के बैनर तले प्रदर्शन किया और अपनी मांगों के लिए जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में किसानों के सभी तरह के कर्ज माफ करने, किसानों पर लगाए गए फर्जी मुकदमे वापस लेने और आलू का भाव 1,500 रुपए प्रति क्विंटल करने की मांग की गई। साथ ही किसानों ने पशु बिक्री कानून को वापस लेने की भी मांग की। किसानों ने ये भी मांग की कि सांसद और विधायकों की तरह किसानों को भी पेंशन दी जाए। अगर ऐसा नहीं किया गया तो कभी भी किसान सुरक्षा समिति को किसानों के हित की आवाज उठाने के लिए विवश होना पड़ सकता है। जो भी सरकार आती है वो किसानों का नाम लेके सत्ता में आती है, लेकिन आज तक जब बजट पेश होता है तो किसानों का कोई भी नुमाइंदा इन्होंने बजट में नहीं बुलाया। जितने भी पूंजीपतियों का संगठन है इन्हें बुलाते हैं, बात करते हैं, जब उन्हें विश्वास में लेकर के बजट पेश करते हैं। आज तक किसी सरकार ने किसान का कोई नुमाइंदा वर्ष से पहले नहीं। यह धरना प्रदर्शन हम इस उद्देश्य को लेकर कर रहे हैं कि मोदी सरकार ने वायदा किया था कि लागत के मूल्य से मैं दुगुना जोड़ा दूंगा किसान, और उसने वायदा किया था कि 2 करोड़ नौकरियां प्रतिवर्ष दूंगा। 3 वर्ष हो गए और मेरे ख्याल से कोई नौकरी नहीं दी गई। ज्ञापन जो है किसान संघर्ष समिति की तरफ से है, ये ज्ञापन शासन स्तर के लिए है क्योंकि इन्होंने किसानों की कर्ज माफी के लिए बहुत सारे हैं जिलाधिकारी मोदी के माध्यम से प्रधानमंत्री महोदय और मुख्यमंत्री महोदय को पहुँचा। परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प है हमारा, क्योंकि आपकी उम्मीद पर टिका है परिवार हमारा। अमर भारतीय, एक उम्मीद, जज्बा बुलंद हौसलों का, जज्बा भारत के निर्माण का।